आज की कहानी है, माँ बाबा ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी संपत्ति। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी संपत्ति, क्या समझते हैं आप लोग? मैं आपके पैसे के बल पर ही कुछ कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, जो करना है अब अपने दम पर ही करूँगा। गुस्से में काव्य अपने माता पिता गौरव और दारा से बोले जा रहा था। माता पिता हाथ परब से अपने लाडले बेटे को देख रहे थे। अचानक से इसे क्या हो गया? अच्छा खासा तो अभी बात कर अपने कमरे में गया था, फिर बाहर आकर ये सब क्या बोलने लगा? काव्य ये सब बोलकर कमरे में गया। अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गया। रात के 9 बज चुके थे। घर के बाहर एक परछाई दिखी और काव्य उसे नजर अंदाज करके निकल गया। जानता था ही वो कौन है। सुन यार, मुझे कुछ फोन करके काव्य ने किसी से कहा। अचानक रात को तेरा घर तो इधर ही है ना, फिर उधर से आवाज आकर बताता हूँ। मध्यम सवर में काव्य ने कहा। वो परसाई अब नहीं दिख रही थी। काव्य के ऐसे चले जाने से उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आज तक अपने बेटे के लिए ही तो सब कुछ जमा करते जा रहे थे। पढ़ने में होशियार काव्य अच्छी नौकरी पर अभी अभी लगा था और संयोग से अपने ही शहर में उसकी कंपनी थी। काव्य अपने दोस्त के घर पहुंचा ही था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो काव्य, मेरे माता पिता हमारी शादी के खिलाफ है। वो कह रहे हैं अगर शादी की तो वह दोनों खुद को ख़त्म कर देंगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे भूल जाओ। उधर से किसी ने कहा, देखो सीना, तुमने तो कहा था तुम बस मुझसे पसंद करती हो। जब माता पिता से मैंने हमारी बात की तो वह मुझे अपनी संपत्ति जमीन जायदाद सब से बेदखल करने को बोलने लगे, पर तुम्हारे प्यार की खातिर मैं सब छोड़कर घर से निकल गया। और तब अब तुम ही ना कह रही हो, उदास सबर में काव्य ने कहा। पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दे रही थी। काव्य वो सब ठीक है, पर मैं अपने माता पिता को तो प्यार के लिए नहीं खो सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, कहकर सीना ने फोन रख दिया। काव्य सीना की बात सुन हंसने लगा। उधर दोस्त उससे प्रश्न पूछकर उसे परेशान करता तो उसने कह दिया, यार घर में बहुत मेहमान आ गए थे, सोचा तू तो अकेला रहता है इसलिए तेरे पास आ गया सोने से पहले। काव्य ने अपने माता पिता को एक सॉरी मैसेज कर बात करूंगा कहकर सो गया। सुबह जल्दी से उठकर अपने घर पहुंचा। जानता था उसके माता पिता बहुत परेशान होंगे। वह सब क्या था काव्य इस तरह रात को बिना कुछ बात के बात बनाकर चले गए? हम सोच रहे हैं हमसे क्या गलती हो गई जो तुमने वह सब कह दिया। दारा बेटे पर गुस्सा करते हुए बोली, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल अगर नहीं जाता ना तो आज यह सब कुछ बिगड़ा हुआ होता। काव्य आ भरते हुए बोला, बात मत बना बोल भी। धारा परेशान हो बोली, माँ एक लड़की है सीना, सड़की है पूरी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी, शादी करेगी तो बस मुझसे, और तो और कह रही थी अपने मम्मी पापा से बात करो, पर मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी थी, मुझे कल ही।
पता सलाम हो, बस ऐसे लड़के फंसाती हैं जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति हो, ताकि वह उन्हें परेशान कर घर से निकाल दे और खुद राज करे। ये बात कल मुझे किसी तरह पता चल गई थी। कल जब मैं खाना खाकर कमरे में गया तो उसका फोन आया, शादी की बात की, और नहीं तो मैं जान दे दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, मुझे बस तुमसे प्यार है, और भी ना जाने क्या किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उससे बोल दिया, वो बोल रहे तुम शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो बोलने लगे तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बोला यकीन नहीं है तो तुम खुद आकर सुन लो। उससे मना कर दिया, पर मुझे पता था वो यहाँ आकर सब सुनेगी, इसलिए मैं वो सारी बकवास कर घर से निकल गया। उसकी सोच पर पानी फिर गया, क्योंकि उसे तो जमीन जायदाद संपत्ति सही थी। मैं एक दोस्त के घर चला गया, वहाँ उसने फोन करके कहा वो शादी नहीं कर सकती, उसके पेरेंट्स तैयार नहीं है। बस वह मुझे यही तो चाहिए था। कल अगर मैं जरा देर भी रुकता तो आप दोनों के चेहरे की उदासी देख सब बिगड़ जाता। माँ उसने कुछ लड़कों के साथ ऐसे बहुत खेल खेले हैं, सुसाइड करने की झूठी कोशिश कर बेसारे लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद बहुत परेशान था, पर समय पर उसके बारे में पता चल गया तो एक दाम मैंने भी खेल लिया। अब कल ही हरकत के लिए माफ कर दो, कहते हुए काव्य कान पकड़ कर खड़ा हो गया। सल बदमाश, हमारी तो जान ही निकल गई थी। रात भर सो नहीं पाए, ऊपर से तेरा सॉरी मैसेज कॉल भी नहीं उठा रहा था तू। हम डर गए थे, पर इतना यकीन था तू कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। सल अब जा, तैयार हो जा, ऑफिस नहीं जाना, गौरव ने कहा। सॉरी पापा, कहता हुआ काव्य अपने कमरे में चला गया। अब सीधा की बातों का डर नहीं था, क्योंकि सामने से मना करने के बाद उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था और काव्य को भी पता था अब वह किसी और लड़के की तलाश में घूम रही होगी।